जो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है, जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। ये सही है कि कल तक जगन जी मुख्यमंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं, ये जरूरी नहीं है कि कल वो मुख्यमंत्री रहें और कल जगन मुख्यमंत्री न बन जाएं। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आखिरकार इन सरकार ये कर करके क्या मैसेज देना चाहती है? सरकार क्या डराना चाहती है? लोग खुशी से जुड़े, डर के ना जुड़े। लोकतंत्र की जीत तभी होगी या अच्छा मुख्यमंत्री वही माना जाएगा जो डराए नहीं। और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं, डराने वाले लोग सत्ता से बाहर जाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जगन और उनके पार्टी के वर्कर्स के, जो हिम्मत से, जो जो इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने नेता के साथ हैं। और मैं देख रहा हूं कि जगन जहां नेता हैं लेकिन वो अपने वर्कर के बीच में है। जो नेता वर्कर रहता है वो नेता हमेशा बना रहता है। आज वर्कर्स के लिए लड़ रहे हैं, यही वर्कर्स हैं जो कल आपको लड़ करके वहां पर दोबारा पहुंचाएंगे। थैंक यू। देखिए, बजट पे मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, ये जगन जी का मुद्दा है, इसको आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि वर्कर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप किसी की जान ले ले रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, ये तो यूपी में भी हमने देखा है। और मैं उस तकलीफ, उस परेशानी को महसूस कर सकता हूँ कि यूपी में भी जब बुलडोजर चलता था और न्याय के लिए जब लोग जाते थे, एक कदम आगे देखा है हम लोगों ने, एक कदम इससे आगे देखा, जो फेक इनकाउंटर देखा। और शायद दुनिया में, देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो। देश के बड़े चैनल उस समय लाइव थे, उस समय किसी की जान ले ली गई हो, तब जब वो पुलिस कस्टडी में रहा हो। पुलिस कस्टडी में ये हम मानते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह होती है। तो मैं महसूस कर सकता हूं कि जिस तरीके से इनके वर्कर के साथ अन्याय हो रहा है, हमने अपने बहुत करीब वर्कर्स को देखा है उत्तर प्रदेश में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी हम 3 लोकसभा के सांसद थे, हम लोग लड़े, सरकार से नहीं झुके। न केवल हम 37 MPs जीते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी 6 MPs समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया। तो जनता ये देखती है और जनता अपना मन बदलती है। हो सकता है जनता ने वो बात न समझी हो, लेकिन आज जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, कल जगन की पुरानी बातों को वो महसूस करेंगे, पुरानी पॉलिसीज को वो याद करेंगे, पुराने कार्यक्रम को वो याद करेंगे, फिर एक बार उनके साथ खड़े दिखेंगे। बीजेपी को अगर स्वस्थ राजनीति करनी है और देश में स्वस्थ माहौल बनाना है, उनको जनादेश को समझ लेना चाहिए। जनादेश यही है कि यहाँ पर भाईचारा हो, स्वस्थ राजनीति हो। आप देखिए अभी कांवड़ को लेकर के क्या किया था सरकार ने, लेकिन सरकार